हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर ट्रिक्स। आज हम 28 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स के लास्ट में आपको क्विज का प्रश्न लिखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल के क्विज का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किस देश के साइबर अपराध संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो इसका सही आंसर है रूस। इस प्रस्ताव के तहत अगस्त 2020 में न्यूयॉर्क में एक नई संधि स्थापित किए जाने की योजना है, जिसके तहत सभी सदस्य राष्ट्र साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों को साझा कर सकेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस द्वारा भारत को अपना हवाई क्षेत्र के उपयोग से इनकार करने के मामले को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के समक्ष उठाया है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। भारत ने हाल ही में प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा के लिए पाकिस्तान से ओवर फ्लाइट क्लियरेंस की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इस एजेंसी की स्थापना साल 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय शिकागो कन्वेंशन के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है। बात करें पाकिस्तान की, राजधानी यहाँ इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, मुद्रा यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया है। आज का अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सेना के प्रमुख का क्या नाम है, जिनके कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। कोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 3 साल के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देने के प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति केवल अधिसूचना जारी कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं, इसका सही आंसर है चीन। ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है। यह एयरसिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग एक जीवाणु संक्रमित महामारी है। प्रारंभिक अवस्था में ही प्लेग के लक्षणों को पहचान कर प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रमनबी है। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में कितने साल तक रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है 1 साल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है इस समय? राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्तमान में युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में 3 महीने तक रहने की अनुमति मिलती है, जिसे अब बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला जरूरतों और सेना के तीनों अंगों की मांगों के मद्देनज़र मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की और सेना कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने हेतु अवधि को बढ़ा दिया है। आज का अगला प्रश्न है, सुधीरधर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है कार्टूनिस्ट। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीरधर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुधीरधर ने अपने 58 साल के लंबे करियर की शुरुआत द स्टेट्समैन से की थी।
इसके बाद उन्होंने कई समाचार पत्रों के लिए काम किया। इनमें भारतीय अखबारों के अलावा विदेशी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और सैटरडे रिव्यू जैसे समाचार पत्र शामिल हैं। वे समाचार पत्रों में समसामयिकी मुद्दों पर कार्टूनों द्वारा व्यंग के लिए जाने जाते थे। आज का अगला प्रश्न है, माँ गिरधा कस्य स्वित धनम किसका आदर्श वाक्य है जिसे हाल ही में जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है लोकपाल। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष ने लोकपाल का लोगो और आदर्श वाक्य मोटो लॉन्च किया। लोकपाल का आदर्श वाक्य माँ गिरधा कस्य स्वित धनम का अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। लोकपाल के लोगों में लोकपाल, जनता, निगरानी, कानून तथा तिरंगे के रंगों को दर्शाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस विधानसभा द्वारा पारित पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति के क्षति की रोकथाम 2017 को स्वीकृति दे दी है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र विधानसभा। इस अधिनियम में पत्रकारों या पत्रकारिता संस्थानों के मामले में नुकसान पहुंचाने वाले को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संस्थानों को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने या पत्रकारों के इलाज के व्यय अभियुक्त द्वारा ही वहन किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कानून को पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। आज का अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है PSLV C-47। इसरो ने PSLV C-47 द्वारा कार्टोसैट 3 और 13 अमेरिकी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सबसे ताकतवर कैमरों वाला नागरिक उपग्रह है। कार्टोसैट 3 पृथ्वी से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वह अंतरिक्ष में 509 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीर ले सकेगा। आज का अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक अध्ययन के अनुसार किस देश के किशोर अन्य देश के किशोरों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। तो इसका सही आंसर है भारत। WHO द्वारा किए गए इस अध्ययन में 16 लाख बच्चों को शामिल किया गया है। WHO ने यह अध्ययन 11 साल से लेकर 17 साल के छात्रों पर किया। WHO ने छात्रों को लेकर अपनी तरह का पहला अध्ययन किया है। WHO द्वारा साल 2001 से साल 2016 के बीच किए गए अध्ययन के अनुसार 4 देशों टोगा, समोआ, अफगानिस्तान एवं जाम्बिया को छोड़कर 146 देशों में लड़कियां लड़कों से कम सक्रिय हैं। आज के क्विज का प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख का क्या नाम है जिनके कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन है आपके गुल हसन खां, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल वाहिद, तीसरा ऑप्शन है परवेज कियानी, चौथा ऑप्शन है आपका कमर जावेद बाजवा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।